सीएम जयराम ठाकुर ने इसी दौरान जनता टीवी से खास बातचीत की है, आपको हम सुनवाते हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। सर, दो कांग्रेस के विधायक जो है अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, कितना फायदा आने वाले चुनाव के संदर्भ में आप समझते होता हुआ नजर आएगा? देखिए, फायदा ही फायदा है। सीधी सी बात है कि वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, जो कांग्रेस पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। पवन काजल जी दो बार के विधायक हैं और कांग्रेस पार्टी के जो अभी वर्किंग प्रेसिडेंट बनाए गए तो उसमें पवन काजल हैं, और पवन काजल जी ओबीसी के नाते हिमाचल प्रदेश में एक बड़े नेता हैं। उनके हमारी पार्टी में शामिल होने से पार्टी मजबूत हुई है और मैं उनका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। दूसरे लखविंदर राणा जी नालागढ़ के विधायक हैं, दो बार के विधायक और कांग्रेस पार्टी के स्टेट के वाइस प्रेसिडेंट हैं। दोनों हमारी पार्टी में शामिल हुए हैं आज, दोनों का स्वागत है। और हिमाचल प्रदेश में आने वाले समय में विधानसभा के चुनाव में इस प्रकार से कांग्रेस से टूट करके हमारे साथ जुड़ने के साथ साथ में ये एक बड़ा साफ और स्पष्ट संकेत है, संदेश है कि हिमाचल में फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। सर, हिमाचल की परिपाटी ये रही कि हर 5 साल में सरकार जो है बदलती हुई नजर आती है, कांग्रेस अपना दम भर रही है, आम आदमी पार्टी दूसरी तरफ जो है टक्कर देने की तैयारी कर रही है, किस तरीके से देख रहे हैं? हिमाचल प्रदेश में आज से पहले ये होता रहा है लेकिन आने वाले समय में नहीं होगा। सरकार 5 वर्ष के बाद बदलती रही है लेकिन अब की बार हमने कहा कि जब पूरे देश भर में एक रिवाज बन गया कि भाजपा की सरकार 5 वर्ष का कार्यकाल करने पूरा करने के बाद फिर सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन रही है, चाहे उत्तराखंड है तो उत्तर प्रदेश है, चाहे वो गोवा है, मणिपुर है, चाहे हरियाणा है, तो स्वाभाविक रूप से इसी तरह से हिमाचल प्रदेश में जब आने वाले समय में विधानसभा के चुनाव होंगे तो हिमाचल में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर सत्ता में आएगी। थैंक यू। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हमारे साथ बात कर रहे थे, साफ तौर पर कह रहे हैं कि इस बार हिमाचल की जो परिपाटी है वो बदलती हुई नजर आएगी और जो रिवाज था कि हर 5 साल में सरकार चेंज होती है वो भी कहीं ना कहीं चेंज होती हुई नजर आएगी। कैमरामैन राजा के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली।